मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट रिएक्शंस देखी अल्कलाइड की, और इन रिएक्शंस में हमने सबसे पहले एस्टर का सिंथेसिस किया व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स रिएक्ट विद अल्कलाइड, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फिर हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू एल्किल बेंजीन का सिंथेसिस किया, हमने टोलुइन का फॉर्मेशन किया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, उसकी मैकेनिज्म भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फ्रीडल क्राफ्ट के बाद हमने नेक्स्ट रिएक्शन में स्ट्रैकर सिंथेसिस किया। स्ट्रैकर सिंथेसिस में हमने सोडियम एल्किल सल्फोनेट का फॉर्मेशन किया, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइट दे फॉर्म सोडियम एल्किल सल्फोनेट। और लास्ट में हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे थे, उसमें हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल। इसमें हमने देखो, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल्स तो क्या बनते हैं, उससे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेंगे तो कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले नंबर पे, फिर बनेगा ग्रिग्नार्ड के बाद अगला डाइएल्किल लिथियम, फिर अगला बनेगा ऑर्गेनो लिथियम या एल्किल लिथियम, और फोर्थ नंबर पे बनेगा टेट्रा एल्किल लेड। फोर्थ पे क्या बनेगा? टेट्रा एल्किल लेड, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करेंगे। देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें एक ऑर्गेनिक पार्ट एक मेटालिक पार्ट से कनेक्टेड होता है, दे आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इनके एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। अब हम वन बाय वन इनका सिंथेसिस करेंगे। सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस करें। देखिए, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
देखिए व्हेन एल्केहैलाइड्स रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाता है RMGX Grignard's reagent. Say for example C2H5Br react with magnesium in presence of dry ether बन जाएगा C2H5MgBr methyl magnesium bromide. तो देखिए व्हेन एल्केहैलाइड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स व्हेन एल्केहैलाइड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स इट फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ठीक है. और देखिए सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिखिए. इसमें इस तरीके से ये बन रहा है. अब देखिए नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डाइएल्केल जिंक. सिंथेसिस ऑफ डाइएल्केल जिंक इसे हम फ्रैंकलिन डीजेंटी बोलते हैं. हमने इसका सिंथेसिस कर लिया है ग्रिग्नार्ड्स का. अब हम डाइएल्केल जिंक का सिंथेसिस करेंगे. देखिए व्हेन एल्केल हैलाइड रिएक्ट्स विद डाई जिंक तो दो मॉलिक्यूल लेंगे. इसके भी दो मॉलिक्यूल लेंगे. डाई एल्किल जिंक ही होता है R2 डाई एल्किल दो एल्किल और ये जिंक और बाहर निकलेगा जिंक का सॉल्ट ZnH2. इस डाई एल्किल जिंक को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट. फ्रैंकलिन रिएजेंट देखिए जैसे कि 2CH3Br रिएक्ट विद 2Zn क्या बन जाएगा डाइमेथिल जिंक और बाहर निकल जाएगा ZnBr.
उसका नेम है डाइमेथिल जिंक। चलिए मैं इसका डाइमेथिल जिंक और इसे हम फ्रैंकलाइन रीजेंट भी बोलते हैं डाइमेथिल जिंक को। नोट कीजिए
अब देखिए, अब हम सिंथेसिस करेंगे। टेट्राएथिल लेड तो नेक्स्ट नंबर पे है सिंथेसिस ऑफ टेट्रा एल्किल लेड। इसको हम एज ए एंटी लुकिंग सब्सटेंस यूज लेते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो देखिए टेट्रा एल्किल इसमें कितने एल्किल जुड़ रहे हैं, चार। किससे? पीबी से, लेड से। कैसे बनाएंगे देखो, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मिस मेटल, इसका सोडियम और पीबी का एक मिक्सचर है, मिस मेटल है, इसकी फोर मॉलिक्यूल लेंगे बिकॉज हमें टेट्रा एल्किल बनाना है, तो इसके भी फोर लेंगे। बन क्या जाएगा देखो, फोर आर टेट्रा एल्किल लेड, एक तो बनेगा ये आर फोर पीबी, एक बनेगा सोडियम बनाएगा हैलोजन से साल्ट एनएएक्स, और साथ में 3 पीबी जो है रिमूव हो जाएगी। ये बन गया हमारा टेट्रा एल्किल लेड। देखो when 4 CH3 CH2Br react with 4 NaCl, तो क्या बन जाएगा देखिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और बन जाएगा टेट्रा एथिल लेड C2 CH3 फोर मॉलिक्यूल्स इसके CH टेट्राएथिल लेड CH3 CH2 का होल फॉर PB प्लस 4NaCl प्लस 3 PB, ये बन गया टेट्राएथिल लेड। क्या है ये टेट्राएथिल लेड, इसका नेम है टेट्राएथिल लेड। तो ये रिएक्शन लिखिए कैसे टेट्राएथिल लेड बन रहा है, और एक लाइन लिखना टेट्राएथिल लेड इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड इन गैसोलीन, एंटी नॉकिंग कंपाउंड इन गैसोलीन, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में गैसोलीन में ये एज ए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस यूज में आता है, कौन टेट्राएथाइल लेड। ठीक है, तो ये रिएक्शन है तो फटाफट से
तो देखिए ऐसे हम रिएक्शन के पैटर्न्स देखते हैं। हमने सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया वन बाय वन फ्रॉम एल्केहैलाइड। यहाँ पर आपके जो एग्जांपल्स थे रिएक्शंस के उत्पादक होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन देखते हैं, दैट इज गिवन बाय एल्केहैलाइड, और वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आप पहले भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो कि व्हेन टू सिग्मा बॉन्ड आर ब्रोक फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम एंड मेकिंग वन पाई बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3, HCl, HBr, HI एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ग्रेट एंड वन पाई बॉन्ड आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो दैट इज CH3CH2Cl रिएक्शन, इसका प्राइमरी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या होगा, ये HCl रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, देखो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन के वो कहलाएगा बीटा कार्बन। अब देखो अल्फा कार्बन से तो एलिमिनेशन होता है Cl का, और बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होता है प्रोटॉन का, सो दैट इज This reaction is also known as beta elimination reaction. Beta elimination reaction. ठीक है, ये always अगर aqueous KOH लेंगे तो ऐसे SN2 reaction होगी, और अगर alcoholic KOH लेंगे तो हमेशा क्या होगी, E2 reaction होगी या E1 reaction होगी। ये basic difference है elimination में और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कि जब हम एक्वस KOH लेंगे तो ऐसे रिएक्शन होती है, और जब हम अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो आपको अटैकिंग रिएजेंट देखना है कि कौन सा है, तो एस अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपको देखो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये पाई बॉन्ड का फंक्शन हो जाएगा, हमें मिल जाएगी एथी कार्बन, मिल जाएगा HCl। देखिए दिस रिएक्शन को हम बोलते हैं, अब देखो इसको बोलते हैं हम वन, इसको बोलते हैं हम टू, तो इसे हम बोलेंगे वन टू एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं, कौन सी रिएक्शन, वन टू एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वन से क्या रिमूव हो रहा है हैलोजन और टू से क्या रिमूव हो रहा है प्रोटॉन, so this reaction is also known as 1-2 elimination reaction। alpha होता है 1 और beta होता है कौन सा, 2 number वाला। ठीक है, तो सबसे पहले definition लिखिए फिर इसके बारे में आगे लिखाते हैं। A molecule of HX is eliminated
a molecule of HX is eliminated. A molecule of HX is eliminated. HX channel. And alkene is formed. And alkene is formed. In this reaction, halogen of alkyl halide, is eliminated from alpha carbon, is eliminated from alpha carbon, and hydrogen atom from beta carbon. So this reaction is also known as beta elimination or 1,2 elimination reaction or 1,2 elimination reaction. ठीक है, अब आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए कैसे एल्कीन बन रहा है, एल्किल हैलाइड से अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकल होता है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन. 1 से कौन निकल रहा है हैलोजन, 2 से कौन निकल रहा है प्रोटॉन, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन. इसमें दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक क्या बन रहा है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. अब देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक टाइप के बीटा हाइड्रोजन है प्रेजेंट है तो उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट एल्कीन्स बनेंगे. ऐसी कंडीशन में कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगी, इसके लिए हम सेट चेक रूल को फॉलो करते हैं. तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव कर रहा हूं. इधर देखिए, देखिए ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH Br CH3. इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो, ये तो है अल्फा कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, और ये है बीटा कार्बन, और ये भी क्या है, बीटा कार्बन. अब इस मॉलिक्यूल में दो बीटा कार्बन है तो दोनों से एलिमिनेशन होगा प्रोटॉन का. ये रिएक्शन होती है भाई अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में. अब देखो, जो दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन एटम है तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे. मान लीजिए अगर इस वाले बीटा, यहां से तो प्रोटॉन निकल रहा है बीटा कार्बन से,
और यहां से कौन निकल रहा है बी आर, तो क्या बन जाएगा एच बी आर यहां से फ्रीज होते ही यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहां से बी आर और यहां से एच, एच बी आर बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा ये यहां पर डबल बॉन्ड वन ब्यूटीन बन गया, वन ब्यूटीन। सपोज कीजिए इस बीटा प्रोटॉन की जगह ये वाला बीटा प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, तो यहां से एच और यहां से बी आर, अब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, अब ये बन गया टू ब्यूटीन, अब क्या बन गया ये टू ब्यूटीन, ये तो बनता है 19% और ये बनता है 81%। तो कौन सा एल्कीन ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं सेट जेफ रूल। कौन सा रूल सेट जेफ रूल, तो सेट जेफ रूल फॉलोस, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक सब्जेक्ट टाइप के बीटा प्रोटॉन है या बीटा हाइड्रोजन एटम है तो उनमें हम सेट जेफ रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब हम मेटाबॉलिक केमिस्ट्री से कराएंगे तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो बनेगा वन ब्यूटीन एक बनेगा टू ब्यूटीन। अब ये 90% क्यों बना, ये लेस क्वांटिटी में क्यों बना वन ब्यूटीन, और ये टू ब्यूटीन हाई क्वांटिटी में क्यों बना, ये सब प्रूव होगा इससे सेट जेफ रूल से, ठीक है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेट जेफ रूल। आज की क्लास में हमने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस, उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाइएल्किल जिंक ऑर्गेनोलिथियम और टेट्राएल्किल लेड का सिंथेसिस किया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एक से अधिक टाइप के बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं तो उनमें हम सेट जेफ रूल को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।